पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि रोमन एम्परर ने ओलंपिक्स पर बैन लगा दिया था। 1821 में ग्रीस ऑटोमन एम्परर से आज़ाद हुआ और फिर धीरे धीरे ओलंपिक्स को फिर से प्रचलन में लाने की बात शुरू कर दी गई। 1859 में पहली बार ग्रीस के एथेंस शहर में मॉडर्न ओलंपिक्स का फिर से आयोजन किया गया, जिसमें सिर्फ ग्रीस के लोगों ने ही भाग लिया था। 1890 में पियर डी कुबर्टिन ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई। शुरू में लोगों ने इनकी बातों का विरोध किया, पर धीरे धीरे लोग इनकी बात मानने लगे और अंत में 1896 में पहला इंटरनेशनल ओलंपिक आयोजित हुआ, जिसमें खास बात यह थी कि अब महिलाओं को भी भाग लेने के अवसर देने जाने लगे थे। लेकिन 1916 वाले ओलंपिक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण और 1940 और 1944 वाले ओलंपिक्स वर्ल्ड वॉर सेकेंड के कारण आयोजित नहीं हो सके थे और 2020 में होने वाले ओलंपिक भी कोरोना के कारण 2021 में आयोजित हो रहे हैं। तो इस तरह से इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल से यदि अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।